नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, खबर फिरोजाबाद से बताई। 9 जुलाई फिरोजाबाद एबीवीपी ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। मुख्य अतिथि पहुंचे चेयरमैन जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर में ग्रीन पार्क गिरधारी इंटर कॉलेज पर। शुक्रवार सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर सिरसागंज नगर इकाई के द्वारा विद्यार्थी परिषद की 73 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ सिरसागंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सोनी शिवहरे और आरएसएस जिला प्रचारक धर्मेंद्र ने किया। साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पार्क को सुसज्जित कर स्थापना दिवस का रूप दिया। विद्यार्थी परिषद सिरसागंज नगर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन मिश्र ने पोस्टरों के माध्यम से परिषद के उद्देश्यों को उपस्थित सभी जनों को समझाया। विभाग संगठन मंत्री दिव्य भारद्वाज ने लॉकडाउन के दौरान परिषद द्वारा किए गए सेवा कार्यों को बताया। वहीं कार्यक्रम में दुष्यंत, दिलीप, सत्यम, अरबाज, इमरान, विशेष जैन ने महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को बैनर के माध्यम से दिखाया। एबीवीपी नगर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन मिश्र ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए उनका आभार जताया। भारत की जो मुख्य धारा है इधर नॉर्थ तरफ को पूरा लेकर भारत को एक करने का जो कार्य कभी जगतगुरु शंकराचार्य ने किया था। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज के दिन विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। आज विद्यार्थी परिषद को 73 वर्ष पूरे हो गए, तो आज हम सिरसागंज नगर में विद्यार्थी परिषद के जो उद्देश्य हैं, विद्यार्थी परिषद के जो कार्य हैं राष्ट्र हित में, छात्र हित में, उनको हमने एक प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों ने प्रदर्शनी के माध्यम से चेयरमैन साहब को और यहाँ जो भी आगंतुक आए हैं उन सभी को ये बताने का प्रयास किया कि ये विद्यार्थी परिषद पूरे राष्ट्र में छात्र हित में किस तरह से कार्य कर रही है। और इसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम और वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम। मैं विद्यार्थी परिषद का अभी हाल ही में प्रवेश हुआ। अनौपचारिक रूप से हम लोग बहुत समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से सिरसागंज नगर में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। और अब छात्रों से संपर्क करके अभी हमने छात्र संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें हमने यहाँ के 500 छात्रों से संपर्क किया और उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको नोट किया है। सिरसागंज की कुछ प्रमुख समस्याओं पर हमारी नज़र है, इस तरह से डिग्री कॉलेज, पुस्तकालय, स्टेडियम।